वेलकम बैक टू माई चैनल बच्चे को लग गई है मोबाइल की लत बच्चा हर समय मोबाइल चला रहा है करना क्या है ये क्वेश्चन question... पी के इंटरव्यू में किया जाता है और मेरे सब्सक्राइबर मैं उनका नाम ले लेती हूँ मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है सौरभ सिंह लास्ट वीडियो पे उनका ये क्वेश्चन आया था कि मैम मुझसे पीजीटी के इंटरव्यू में पूछा गया है कि बच्चा मोबाइल चलाता है बहुत ज्यादा बच्चे को लत है मोबाइल का तो शिक्षक को क्या करना चाहिए या फिर ऐसे बच्चे बच्चों में मोबाइल का लत कैसे छुड़ा सकते हैं हम लोग आज की वीडियो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण उन शिक्षकों के लिए उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों को मोबाइल की लत लग गई है या लग चुकी है या लग रही है ठीक है तो इस पर आज का वीडियो डेडिकेटेड है मैं कुछ एकदम स्ट्रांग पॉइंट्स बताऊंगी कि टीचर और पेरेंट्स इस चीज को यानी शिक्षक और जो बच्चे के माता पिता हैं इस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इश्यू है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात ये आती है कि हमें मोबाइल बच्चों को मोबाइल की लत लगती क्यों है तो जो गेम नोटिफिकेशंस होते हैं जो नोटिफिकेशन ऊपर से आते हैं मोबाइल में जो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव चीजें होती है मोबाइल में जैसे कि बच्चों को गेम खेलने की आदत लग जाती है कई बार बच्चों को फनी वीडियोस देखने की आदत लग जाती है तो इससे बच्चे हर ग्रुप के हर एज ग्रुप के बच्चे कही कहीं ना कहीं एडिक्टिव होते नजर आ रहे हैं आज के टाइम पे चाहे वो छोटे बच्चे हों पीआरटी के बच्चे हों चाहे वो टीजीटी के बच्चे हो यानी कि सिक्स टू एट ग्रुप के बच्चे हो चाहे वो ग्यारहवीं बारहवीं के बच्चे हो यानी पीजीटी ग्रुप के बच्चे हो क्योंकि हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए कंटेंट मोबाइल में अवेलेबल है हर तरह के एंटरटेनमेंट की चीज अवेलेबल है चाहे वो कार्टून हो और चाहे वो फिर अलेवन ट्वेल्थ यानी कि तेरह से चौदह साल के बच्चों के एज ग्रुप का कोई गेम हो ठीक है तो एडिक्शन तो देखा ही जा रहा है आजकल ये तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है अब बात आता है और ये क्वेश्चन टीचर्स इंटरव्यू में बिल्कुल पूछा जा सकता है आप सबसे पूछा जा सकता है कई बार वो बच्चे मोबाइल लेके भी स्कूल में आ जाते हैं और समझ नहीं आता है कि टीचर करेंगे क्या तो ये इस इशू को सॉल्व कैसे करें कैसे बच्चों में आप या फिर हर एज ग्रुप में ये किसी भी क्लास के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो चाहे वो पीआरटी के लिए जा रहे हो चाहे टीजीटी के लिए जा रहे हो चाहे पीजीटी के लिए जा रहे हो आपसे पूछा जा ही सकता है क्योंकि हर एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम कॉमन है कैसे सॉल्व करेंगे तो जो सबसे पहला पॉइंट है है वो ये है कि सबसे पहले शिक्षक क्या कर सकते हैं कि पहले तो अवेयरनेस उनको दीजिए ठीक है सबसे पहला पॉइंट ये है कि अवेयरनेस दीजिए बच्चों को कि भाई मोबाइल का क्या क्या प्रॉब्लम अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो क्या क्या आ सकता है पहला क्या आ सकता है निगेटिव इंपैक्ट बताइए उनको सबसे पहले पहला क्या आ सकता है कि आपका अटेंशन जो बच्चे देते हैं कोई चीज में यूजुअली अटेंशन देते हैं जैसे पढ़ाई में देते हैं तो वो क्या हो जाता है कम हो जाता है अटेंशन कम होता है कहीं ना कहीं डिक्रीज अटेंशन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है दूसरा क्या है कि बच्चों का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस पर भी प्रभाव पड़ता है बताइए कि एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डाउन होता है इससे अटेंशन हमारा डिक्रीज होता है हम पढ़ाई पे जितना लगाना चाहिए वो नहीं लगा पाते हैं आंखों को प्रभाव पड़ता है आप ये सब चीजें बच्चों को बताइए स्लीप पैटर्न पर प्रभाव पड़ता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाली बात है ना सुबह उठना और ये सब, ये सब सब पे प्रभाव पड़ता है तो निगेटिव इंपैक्ट उनको बताइए ठीक है ओपन डिस्कशन रखिए मतलब नहीं इस डिस्कशन को करने में कोई स्टीरियो वाली बात नहीं है या ऐसा कुछ नहीं आजकल तो स्टीरियो के लिए भी लोग खुल के डिस्कस करते हैं जो सालों से प्रथा चली आ रही उन्हें हटाने की वो तो ये तो मोबाइल की बात है बहुत कॉमन बात है ओपन डिस्कशन रखिए नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि भाई क्लियर रूल सेट कीजिए एकदम क्लियर रूल सेट कीजिए बाउंड्रीज सेट कीजिए स्कूल की कोई ना कोई गाइडलाइन रहती ही है हर स्कूल में गाइडलाइन होती है कि भाई मोबाइल अलाउड नहीं है क्लास के टाइम पे मोबाइल अलाउड नहीं है मोबाइल को लेके गाइडलाइन कुछ तो होगी आपके स्कूल की आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो उस स्कूल की गाइडलाइन से बाहर कोई नहीं जा सकता बाउंड्रीज सेट कीजिए कि मोबाइल फोन्स एक्सेप्टेबल नहीं है जो भी आपके स्कूल की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए बच्चों को बताइए कि अगर ऐसा होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ठीक है हर रूल और एक्सपेक्टेशन अपने एक्सपेक्टेशन को उनके सामने रखिए ठीक है नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे कई बार होते हैं ना कि मोबाइल उनको इतना ज्यादा एंगेजिंग लगता है तो आप उनको अल्टरनेटिव एक्टिविटीज दे सकते हैं टीचर्स या पेरेंट्स जो भी है अल्टरनेटिव दूसरे एक्टिविटीज दीजिए बच्चों को जो एंगेजिंग हो ठीक अक्टिव है इंटर एक्टिविटीज दीजिए डिबेट करवाइए बहुत सारी चीजें हैं बच्चों का खुद ही ध्यान उधर नहीं जाएगा डिबेट करवाइए अगर छोटे क्लास में हो आप तो राइमिंग एक्टिविटीज कराइए उन्हें स्टोरीज सुनाइए उनको एंगेज कीजिए सेम अप्लाइज फॉर पेरेंट्स पेरेंट्स भी घर में उनको दूसरी चीजें दीजिए ठीक है तो जब अल्टरनेटिवे तो ना दूसरी चीज करवाओगे तो ऑटोमेटिक ध्यान जो है वो भटक जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्या है कि टेक्नोलॉजी uh, अगर यूज करते भी हैं ठीक है अगर बच्चे मान लीजिए स्कूल में ना आप मॉनिटर कर रहे हो घर में तो आप नहीं रहोगे आप तो शिक्षक हो बच्चों के साथ घर थोड़ी चले जाओगे या फिर पेरेंट्स घर में ना मॉनिटर कर रहे हैं बाहर तो नहीं चले जाएंगे बच्चे बाहर जा रहे हैं कहां कहां बच्चों के पीछे परछाई बनकर थोड़ी चलते रहेंगे पेरेंट्स बच्चे भी कल को अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे हर घड़ी बच्चों का पीछा नहीं किया जा सकता तो अगर बच्चों को चलाने का मन करेगा वो फिर छुप के चलाएंगे तो वहां पे क्या कर सकते हैं पेरेंट्स और टीचर्स वहां पे उनको पहले ही अवेयर कीजिए कि देखिए मोबाइल अगर चलाते भी हैं इनकेस तो उनको बताइए एक्सेप्शन आ सकता है बच्चे आपको ये सब गाइडलाइंस नहीं है कि बच्चों को आपने मारना डांटना शुरू कर दिया इस चीजों के लिए बच्चों को आप समझा सकते हो हर एज ग्रुप को उनको समझाइए कि टेक्नोलॉजी अगर यूज करना भी है कभी अगर आप मोबाइल यूज करते भी हो तो पॉजिटिव चीजें यूज करें उसके ठीक है जैसे कि एजुकेशनल एप्स हो गया रिसर्च एप्स हो गया बहुत सारी रिसर्च वेबसाइट्स होती हैं बच्चों को समझाइए कि आप अपने आप को ग्रो करो अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करते भी हो कहते हैं ना एक सही रास्ता होता है जिंदगी का और एक गलत रास्ता होता है तो हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए हमें सही रास्ता चुनना चाहिए इससे आपको सब गुड बॉय बोलेंगे सब आप बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बनोगे आपकी तारीफें होंगी आप देश के लिए बहुत कुछ करोगे अपना टाइम प्रोडक्टिव बनाओगे छोटे बच्चों को आप ऐसे समझा सकते हैं बड़े बच्चों को समझाइए इस तरीके से कि आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करो अगर आप अपना ध्यान अगर मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज करते भी हो तो उसमें एजुकेशनल चीजें देखो उससे क्या होगा कि आपके रिजल्ट भी अच्छे होंगे और आपको खुद में भी अच्छा फील होगा आपको फील होगा कि आप क्या कर रहे हो आप इम्प्रूव कर रहे हो बेटा प्यार से उनको समझाइए कि अगर मोबाइल कभी आप यूज करते भी हो तो उसका गुड यूज करो ठीक है अच्छा यूज करो ठीक है आप एकदम से उनको ये नहीं छुड़वा नहीं देखिए एकदम निगेटिव हो जाना एकदम छुड़ा देना ये 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 थोड़ी अनरियलिस्टिक मतलब कहते हैं ना जो चीज संभव ही नहीं है वो चीज आधुनिक युग में मुश्किल है भाई बच्चा कभी ना कभी मोबाइल के कांटेक्ट में आएगा ही तो उसको ऐसे समझाइए कि अगर कभी आता भी है तो उसका गलत यूज नहीं करे नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं टीचर्स क्या कर सकते हैं कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए क्या कीजिए पेरेंट्स जो हैं जो माता पिता हैं बच्चे के उनको इन्वॉल्व कीजिए और उनसे पूछिए कि बच्चा घर में कितना देर आगा अगर मोबाइल आपको मोबाइल वाली इश्यूज स्कूल में फील आ रही है या आपको ऐसा फील हो रहा है कि बच्चा एडिक्टिव है कहीं ना कहीं मोबाइल का स्कूल में वो अटेंशन नहीं दे पा रहा है कोई चीज पर या स्कूल में मोबाइल लेके आ रहा है तो आप पेरेंट्स से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या बच्चा का घर पे कितना देर उसका मोबाइल चलाता है बच्चा या कितना देर चलाता है किस तरह का वो मोबाइल का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है पेरेंट्स ने इस चीज पे नजर रखा है कि नहीं रखा है तो अगर पेरेंट्स भी आपको ये कंसर्न देते हैं कि मैडम मैं क्या करूं घर पे भी मैं थोड़ा सा परेशान हूं बच्चा बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो गया है तो पेरेंट्स को भी आप उन्हें सलाह दे सकते हैं कि बच्चे को क्लीनिंग कुकिंग जैसी एक्टिविटीज में बिजी करें स्टीडियो आज के टाइम में रखना नहीं चाहिए कि महिलाएं हैं तो उन्हीं को कुकिंग जो लड़की हैं उनको कुकिंग सिखाया जाएगा तो बी में पढ़ाई होगा इस चीज को और लड़का है तो उसको बाहर की चीजें सिखाई जाएंगी लड़का हो चाहे लड़की हो हर किसी को लाइफ स्किल्स आना जरूरी है जिंदगी में कुकिंग uh, हो गया खाना बनाना हो गया क्लीनिंग हो गया ये सब लाइफ स्किल्स है ये सब चीज जेंडर रोल प्ले नहीं करती कि कोई लड़का ही करेगा या कोई लड़की ही करेगी लड़का ही बाहर का काम करेगा लड़की ही घर का काम करेगी जेंडर रोल नहीं है आज के टाइम पे दोनों जॉब में कर, जॉब करते हैं या नहीं भी करते हैं जो भी हो स्टीरियो uh, वाली बात नहीं आनी चाहिए बच्चों को घर के काम में इन्वॉल्व कीजिए चाहे लड़का भी हो उसे क्लीनिंग कुकिंग सब करने दीजिए बड़ा बच्चा है तो कुकिंग करा सकते हैं छोटा बच्चा है तो आप उन्हें फ्रूट्स दे सकते हैं कह सकते हैं फ्रूट्स पहचानो वेजिटेबल दे सकते हैं घर के चीजों चीजों को उन्हें दीजिए अदर एक्टिविटीज में पेरेंट्स इन्वॉल्व कर सकते हैं ऐसी चीजों पर पे आप पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए बींग अ टीचर तो इससे क्या होगा जब बच्चे का घर पे इंप्रूवमेंट होगा घर पे पेरेंट्स काम करेंगे तो स्कूल में भी बच्चे का इंप्रूवमेंट देखा जाएगा धीरे धीरे मोबाइल से इंटरेस्ट उसका लूज होना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि उन्हें गुड एग्जाम्पल्स दीजिए कि आ, अच्छे एग्जाम्पल्स दीजिए और मोबाइल ज़्यादा यूज करने के बैड एग्जाम्पल दीजिए उदाहरण दीजिए कि जो जिन्होंने ज्यादा मोबाइल यूज किया है तो उनका क्या प्रभाव पड़ा है आंखें खराब हो जाती हैं ये है वो है बहुत ज़्यादा अत्यधिक अत्यधिक कहते हैं ना अत्यधिक किसी चीज़ का भी अच्छा नहीं होता है अत्यधिक चीनी डालिए तो बहुत ही डायबिटीज हो जाएगी अत्यधिक नमक डालिए तो जहरी बन जाता है भाई खाना ही खाया ही नहीं जाता है तो वो चीज़ उनको बताइए ठीक है नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों में एनर्जी बहुत होती है बच्चे एनर्जी रिलीज करना चाहते हैं कई बार तो उनको एनर्जी रिलीज करने दीजिए एडिक्वेट फिजिकल ब्रेक आ, फिजिकल एक्टिविटी करवाइए उनसे गेम्स पीरियड है तो बच्चे थोड़ा उससे थकेंगे ना तो थकने से भी क्या होता है ना कि बच्चे जब एडिकुएट उनका फिजिकल एक्टिविटी हुआ है थक जाएंगे तो वो घर जाके थोड़ा पढ़ाई करके सो जाएंगे उन्हें उतना ज्यादा एनर्जी भरा नहीं रहेगा कि वो बैठ के मोबाइल चलाने के लिए उनको टाइम मिलेगा उनका टाइम गुड यूज में जाना चाहिए उनसे स्पोर्ट्स करवाइए गेम खेलवाइए पढ़ाई करवाइए बहुत सारी अदर चीजें हैं मैं ये नहीं कहती कि बैन करा दिया जाए मोबाइल का यूज मोबाइल के बिना टेक्नोलॉजी के बिना आजकल मुश्किल है बहुत सारी चीजें मुश्किल हो जाती है बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं एजुकेशनल एप्स होते हैं जो मोबाइल में आते हैं मेरा वीडियो का ये मकसद नहीं है कि आप मोबाइल छुड़वा दें लेकिन मेरा यह वीडियो आप टाइटल से ही समझ गए होंगे कि एडिक्शन एडिक्शन कोई चीज की गलत होती है एडिक्शन को कम कैसे करना है है मेरा कहने का मतलब है। और अगर स्कूल में गाइडलाइन नहीं है मोबाइल क्लासरूम में लेके आने का तो उसको कैसे आप लोग हैंडल करेंगे ठीक है Next है नेक्स्ट कि ऑफलाइन इंटरक्शन रखिए डिबेट कराइए मैंने पहले भी बताया कि यह सब चीजें कीजिए ऑफलाइन कोशिश कीजिए चीजों को ज्यादा करने का अब तो कोविड भी थोड़ा कम हुआ है तो स्कूल्स में बच्चे आ रहे हैं उस चीज का फायदा उठाया जाए क्योंकि पहले क्या था कि कोविड था तो हर चीज ऑनलाइन होती थी तो कहीं ना कहीं बहुत बच्चों के आंखों पर प्रभाव पड़ता था अब तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव भी कर रही हैं आफ्टर कोविड ठीक है नेक्स्ट क्या कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे केसेस में डेली लिमिट अगर बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल चला रहा है एकदम मानने को तैयार नहीं है तो आप एक लिमिट सेट कर दीजिए कि ठीक है अगर आपको चलाना है तो आपका स्क्रीन टाइम इतना देर का होगा तो इससे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि पेरेंट्स आर रिस्पेक्टिंग माई व्यूज कि मुझे कितना देर चलाना है और जो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो वो पेरेंट्स इस चीज पे ये कर सकते हैं कि अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं मैं बहुत परेशान हूँ बच्चा हर घड़ी मोबाइल चलाता रहता है तो एक डेली लिमिट सेट कर दिया जाए कि भाई एक घंटा से ज्यादा नहीं या एक घंटा भी अगर बच्चा चला रहा है तो बच्चा उसका मिस तो नहीं कर रहा है इस चीज का ध्यान रखें कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आजकल साइबर बुलिंग है कोई बच्चे को आ, कोई कहते हैं ना साइबर आ, आ, में बहुत सारी इशूज आ रही है कोई आ, फेक अकाउंट से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है या कुछ ऐसे वैसे चीजों में तो बच्चा फंस ना जाए क्योंकि वो बहुत छोटा है तो इस चीज़ों का उस पर बच्चे पर नजर जरूर रखें कि कुछ गड़बड़ ना हो और डेली लिमिट सेट कर दिया जाए तो ये आ, कर सकते हैं पेरेंट्स और आ, इन चीजों का ध्यान रखना है ठीक है तो आज आई होप कि मैंने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है अगर बच्चा मोबाइल से एडिक्टेड है तो इन चीजों का ध्यान आप रख सकते हैं और मैं फिर से एक बात बता देती हूं हर बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं कोई भी एक्सपेक्टेशन आप ऐसे सेट नहीं कर सकते कि सभी बच्चे उसको जो है उस पर खड़े उतरे कोई बच्चे का अगर एडिक्शन लग गया है वो बहुत धीरे छूटेगा किसी बच्चे का एडिक्शन बहुत फास्ट छूटेगा तो हर बच्चे यूनिक होते हैं अपने आप में अलग होते हैं और उनका जो समझने की कैपेसिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है तो आप ओवर नाइट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे एक रात में कुछ भी नहीं होने वाला धीरे 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 चीजें सेट हो जाएंगी तो पेशेंस रखिए टीचर्स और पेरेंट्स ये चीज़ें जरूर से ज़रूर सॉल्व हो जाएंगी बस बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है और डांटना मारना बच्चे को धमकाना बच्चे को डराना ये कहीं से भी गाइडलाइंस नहीं है और ये सही गाइडलाइंस है तो इस ये सब ना करते हुए आप चीजों को पॉजिटिवली भी ठीक कर सकते हैं ठीक है तो आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो जरूर लाइक प्रेस करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको जरूर दिख जाए ठीक है तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में यही कुछ बच्चे और आ, टीचर्स और पेरेंट्स से जुड़ी समस्याओं को लेकर तब तक के लिए आप लोग सब स्वस्थ रहिए मस्त रहिए व्यस्त रहिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय अपने क्वेश्चन जरूर पोस्ट कीजिएगा कि आपको किस क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए जो क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट लग जाती है उस पर मैं जरूर वीडियो लाती हूँ देर ला सकती हूँ एक हफ्ते बाद ला सकती हूँ पर आपकी क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगी जरूर इंटरटेन करने का